गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को सेना ने किया सम्मानित। जी हां, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा जब दिल्ली स्थित अपने राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। नीरज चोपड़ा के साथ ही कुश्ती के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले दीपक पूनिया भी मौजूद रहे। नीरज चोपड़ा को सेना के खुली जीप में बैठाकर राज रिफ सेंटर लाया गया। दीपक पूनिया और नीरज चोपड़ा दोनों राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में सूबेदार पद पर पोस्टेड हैं। दोनों का स्वागत दिल्ली कैंट में बैंड बजाकर किया गया। देश का नाम रोशन करने वाले दोनों सितारों को खास ट्रीटमेंट दी गई। राजपूताना राइफल्स के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो ने दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा को रेजिमेंट की ओर से जहां 6 लाख रुपए का चेक दिया गया, वहीं दीपक पूनिया को 4.55 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया है। खुद KGS ढिल्लो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मिले थे और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने नीरज के ऐतिहासिक शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी थी। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में इतिहास रचा है।